जनपद फिरोजाबाद में प्रेमी युगल की पिटाई। पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल परिसर में लड़की पक्ष द्वारा की गई प्रेमी युगल को लड़की पक्ष ने तब पीटा जब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस दोनों का मेडिकल करवाने जिला महिला अस्पताल लाई थी, पर प्रेमी युगल द्वारा भागकर कोर्ट मैरिज करने से नाराज परिजनों ने युवक और युवती की जमकर पिटाई की और फिर भाग खड़े हुए। दरअसल ये मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर एक मजहब के प्रेमी युगल जोड़े ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली, जबकि परिजनों द्वारा लड़की को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। वहीं कोर्ट के आदेश पर पुलिस दोनों ने प्रेमी युगल जोड़ों का मेडिकल करवाने लाई थी। जब मेडिकल करवा कर प्रेमी युगल अस्पताल परिसर में आए, तभी लड़की पक्ष के लोग पहुंच गए और दोनों प्रेमी जोड़ों को पुलिस के सामने जमकर पीटा। इतना ही नहीं, एक महिला कांस्टेबल को भी धक्का मुक्की की गई। अस्पताल परिसर में चल रहे घटनाक्रम की सूचना थाना अध्यक्ष और डायल 100 को मिली, पर तब तक पीटने वाले सभी लोग प्रेमी युगल को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नाम है तुम्हारा? सद्दाम। सद्दाम, क्या हुआ था यहाँ पे? ये हुआ था, हम यहाँ पर मेडिकल कराने आए थे, कहते कोर्ट के आदेश से हमने कहते बात करने की सोची, लाओ इनसे बात कर लें, ये अपनी बेटी से बात करनी, कह रहे थे कि लाओ मैं बात करा दो, खेचेतानी कर रहे थे यहाँ तक हमारे पास वो थी, कहते तब भी कहते उन्होंने कहते कि उनको भी खेचेतानी करा, हमें मारा पीटा बहुत बुरी तरीके से। पुलिस स्टाफ से भी मारपीट की? हाँ, पुलिस स्टाफ से भी मारपीट की। कौन लोग थे, क्या नाम है उनके? मेरे घर वाले थे वो। पापा थे इनके, इनके भाई थे, तीन बहन हुई थे और तीन बहनें थी। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? फिरोजाबाद। किस जगह के? शीतल का गली नंबर 2। आप लोगों के साथ जब यहाँ पे मेडिकल कराने अपने मरीज से कोर्ट मैरिज कर ली, इन लोगों ने हाई कोर्ट के बाहर भी हाथापाई करी, वहाँ हम लोग बच गए। यहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी से मेडिकल कराने आए थे अपना, इन्होंने पहले, इससे पहले जब मैं अंदर चली गई तो मम्मी ने, मेरी मम्मी ने इनके 2-3 थप्पड़ मार दिए, फिर दीदी ने पुलिस आई, दीदी उन्होंने बचा लिया, तो चलो कोई बात नहीं है। जब मैं निकली पूरा काम करके तो उन्होंने बात करने की सोची, मैं सोच लो बात कर लेते हैं, माँ बाप बात कर लें, मगर वो तो मार पीटी पर उतरा, इतनी बुरी तरह इनको मारा, मेरे बुरखोर को सब फाड़ दी देगी। क्या पुलिस के, पुलिस को भी गोली मारी धमकी के दे रहे हैं? अब आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग अपनी सेफ्टी चाहते हैं बस, हम इनके संग रहेंगे और किसी को कहीं नहीं जा रहे हैं। सुनाई थी 100 नंबर पे? 100 नंबर पे सूचना आई थी सर, के वो 12-13 लोग जो एक लड़की प्रेमी युगल थे, उन्हें मेडिकल के लिए SNF हॉस्पिटल लाया गया था, तो उसमें महिला कॉन्स्टेबल थी साथ थी, वो उन दोनों में आपसी में जो लड़की पक्ष के थे उन्होंने आके मारपीट की है, और जो महिला कॉन्स्टेबल थी उसके भी साथ अभद्रता की है। क्या क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी तो 100 नंबर पे केवल वो SI जो प्रेमपाल सिंह आए थे, प्रेम नारायण, उन्हीं के सुपुर्द की गई है, पूरी जो कार्रवाई करेंगे वही करेंगे। आपने थाना पुलिस को सूचना दे दी इसका? केवल थाना पुलिस को भी सूचना दे दी और रसूलपुर के SI वो भी आ गए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। जनपद फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र कोटला रोड पर आज सुबह नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी शिनाख्त बाद में थाना रामगढ़ क्षेत्र चनौरा निवासी करीब 40 वर्षीय मदन के रूप में हुई। वहीं परिजनों ने रो रोकर कहा कि 3 दिन से लापता था। फिलहाल घटना के बारे में CO सिटी संजय वर्मा ने बताया कि कोटला रोड पर नाले में शव मिला, जिसे पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल भिजवाया गया, बाकी मामले की जाँच की जा रही है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। तहसील ऊंचाहर के अंतर्गत मसूरी NTPC के बगल में ग्राम बड़ा गांव में ओम गौरी शंकर मंदिर लगभग 300 साल पुराना बना हुआ है, जिसमें हर दिन गौरी शंकर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आने वाले प्रतिवर्ष जो पूरे भारत में महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, इस दिन लोग अपने अपने परिवार सहित भोलेनाथ दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं और दर्शन करके अपने मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह मंदिर 300 साल पुराना है, यहाँ पर जो भी आता है और गौरी शंकर के मंदिर में अपनी विनती करता है तो उसके मन की इच्छा पूर्ति होती है। यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि पुलिस सुरक्षा हेतु पुलिस बल तैनात रहता है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। यहाँ की पुलिस व्यवस्था बड़ी ही चुस्त दुरुस्त की जाती है, DM और पुलिस अधीक्षक रायबरेली की निगरानी में किया जाता है और पुलिस अधीक्षक द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि किसी भी श्रद्धालु को अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो वह तत्काल 100 नंबर डायल कर पुलिस सूचना करे, ताकि समस्या का हल निकाला जा सके। वहीं आसपास के लोग दुकानदारी सजाकर तरह तरह की दुकान लगाते हैं और जनता व लोग खरीदारी करते हुए पूरे मेले का आनंद लेते हैं। वहीं इस मंदिर में खुशी का माहौल बना रहता है और मंदिर में दर्शन, फूल व माला चढ़ाकर अपनी विनती करते हैं और विश्वास के साथ फल पाकर अपने घरों को वापस जाते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है? लगभग 200। दादाजी आपका नाम क्या है? दीवान। अच्छा, यहाँ पे
आप क्या करने आए हैं? यहाँ इस शिव मंदिर में दर्शन भी किए? इस शिव मंदिर का दर्शन किए या गौरी शंकरन का दर्शन किए? यहाँ किस विचार से लोग आते हैं? यहाँ पे जो लोग आते हैं इनका क्या मानना है? यहाँ दर्शन करने से मन्नत भी? कई सौ वर्ष पूर्व मंदिर होगी ये? मंदिर कितनी पुरानी होगी ये? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धीरज कुमार की रिपोर्ट, रायबरेली।